हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार विद पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, सुरक्षित भी होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कोयम्बतूर का व्लॉग। मैं चेन्नई से कोयम्बतूर जा रही हूँ आज, सो इसी के लिए मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। देखते हैं वॉइस ओवर होगा वीडियो या फिर रॉ वीडियो होगा, बिकॉज आप लोग को रॉ वीडियो पसंद है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रॉ वीडियो ही बनाऊं। सो यार, चलते हैं जर्नी में, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस, जर्नी स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रेन थी 11:40 की, तो हम घर से कुछ 10:15, 10:20 तक निकल गए थे। रेलवे स्टेशन काफ़ी बाजू में था, मतलब घर से लाइक इट वाज 15-20 मिनट्स का डिस्टेंस था। सो हम लोग जल्दी तो निकल गए, लेकिन ट्रेन आई नहीं थी। अभी आप लोग को देखने को मिलेगा आगे। सो हम ऑटो लिए एंड हम चल पड़े स्टेशन की ओर। सो ये ब्लॉग है चेन्नई टू कोयम्बतूर ईशा आदियोगी। सो हम चेन्नई रेलवे स्टेशन यानी कि MGR रेलवे स्टेशन, जो कि हम पहुंच चुके हैं, वहां से हम ट्रेन लेंगे। कोयम्बतूर की सबसे लास्ट ट्रेन थी ये वाली, धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो हमने वो वाली ट्रेन ही बुक की है। एंड ये सुबह सुबह पहुँचाएगी हमको कुछ 8:30 बजे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हो हम स्टेशन पहले आ गए थे, लाइक 10:40 आ गए थे हम, एंड 11:40 की ट्रेन थी। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, आराम से बैठे थे, टाइम पास कर रहे थे। उसके बाद फाइनली आप देख सकते हो ट्रेन शायद थोड़ी सी लेट हो गई थी। सो इट इज़ 23:53 ऐसा कुछ टाइम हुआ है एंड हमारी ट्रेन येरी आ चुकी है। तो हम भी जा रहे हैं हमारी सीट की ओर, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड या फाइनली इनसाइड द ट्रेन व्यू है ये। एंड थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टार्ट हुई थी, थोड़ा टाइम लगा था, उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई एंड यू कैन सी। तो चलिए जर्नी को एंजॉय करते हैं, आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरा मेकअप अच्छा लगता है, देन प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाजू में जो छोटी सी घंटी है उससे भी बजाना ना भूले, ताकि आपको मिलते रहे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो टाइम था, मैं रात को बहुत लेट सोई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से मैं सबसे लेट उठी यहाँ पे। बाकी तीन तो उठ गए थे, मैं सो रही थी अपनी सीट पे ही थी, मैं उठने में टाइम लग रहा था। एंड ये देखो फेस एकदम ब्लोटिंग सा हो गया है उठते ही। मेरे को हमेशा मॉर्निंग ऐसे ही होता है, मेरा फेस सो ब्लोट हो गया था, फूल गया था। उठ गए हैं सब, अब वेट कर रहे हैं स्टेशन का। सो हम फाइनली कोयम्बतूर जंक्शन पहुंच ही गए हैं। ये वाला उससे पहले वाला जंक्शन था एंड इससे 2-3 मिनट की दूरी पे ही कोयम्बतूर जंक्शन था, जो कि या हम पहुंच गए हैं फाइनली ईशा आदियोगी जाने के लिए कोयम्बतूर जंक्शन। आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड, लाइक ये मेरा एक ड्रीम प्लेस बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज आई एम सो 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 डायर्ड फैन ऑफ शिव जी। एंड मुझे बहुत टाइम से ईशा जाना था, बट कहीं ना कभी हर बार प्लान फ्लॉप हो रहा था। मैं ट्रेन की टिकट्स बुक होने के बावजूद लॉकडाउन हो जा रहा था बार बार, तो ईशा बंद हो रहा था, तो मैं जा नहीं पाई। एंड फाइनली जब स्टेशन पहुँचे आई वॉज रिलैक्स्ड कि हाँ फाइनली हम जा रहे हैं। सो इसमें भी ट्रेजिडी हुई, हमने रूम नहीं लिया, हमने वेटिंग रूम में ही हम चेंज किए, बिकॉज सेम डे नाइट की हमारी रिटर्न ट्रेन थी, ठीक है? तो वेटिंग रूम में ही लिया एंड उसमें क्या हुआ, कॉमेडी हुआ, ट्रेजिडी हुआ, जब गूगल में सर्च किया आदियोगी बंद दिखा रहा था एंड मैं डर गई थी लिटरली कि यहाँ तक आकर भी आदियोगी नहीं जा पाऊँगी। बट कॉल किया हमने, पूछा तो आदियोगी ओपन था, आई वॉज हैप्पी। सो हम रेडी वगैरह हो गए, अपने बैग्स ले लिए वेटिंग रूम से एंड हम चल पड़े ब्रेकफास्ट करने एंड वहाँ से हम जाएंगे आदियोगी। तो हमने एकदम कोयम्बतूर जंक्शन के ऑपोजिट में जो एक होटल था, होटल आर्या, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन टेस्ट वाइज सर्विस वाइज इट इज़ सुपर डुपर एक्सेलेंट। एक्सप्रेस वेज है, यानी बहुत सुपर फास्ट एक्सप्रेस है गाइस। अगर आप अभी ऑर्डर करो 2 मिनट में आपको आपका
खाना मिल जाता है, सो इट इज़ सुपर डुपर। आप चेकआउट कर सकते हो इस होटल को। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे लिटरली अच्छा लगा है। एग्जैक्टली कोयम्बटूर जंक्शन के ऑपोजिट है, तो आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम निकल पड़े थे बस लेने के लिए। एक्चुअली ईशा की बस जाती है 14B एंड 14C, थोड़े सी किलोमीटर के बाद, लाइक 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टेशन आपको बस मिल जाएगी। आप किसी से भी पूछ सकते हो वहाँ पे। लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया था, मुझे बस में नहीं जाना था। सो ऑटो पूछा, ऑटो रिजनेबल था, हमने ऑटो ही बोर्ड कर लिया पूरे दिन के लिए। तो हम ऑटो में निकल पड़े। सो जंक्शन से आपको 32 किलोमीटर्स पड़ता है ईशा आदियोगी जाने के लिए, करीबन 1 आवर का डिस्टेंस होता है। तो आप लोग उसी हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। तो हमने ऑटो लिया, 1 आवर लगा। हम 10:40 10:50 को शायद, या 10:40 10:50 को कुछ ऑटो लिए थे एंड वहाँ से रवाना हुए थे हम ईशा आदियोगी के लिए। एंड ये रास्ता आप देख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे बात नहीं करती, आप रास्ता एंजॉय कीजिए। क्लाइमेट काफ़ी अच्छा था, लाइक धूप थी लेकिन धूप लग नहीं रही थी, थोड़ी ठंडी थी। एंड रोड्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। आप अब नेचर को एंजॉय कीजिए। वेट ख़त्म होता है एंड फाइनली ईशा मेरे सामने था। मैं सातवें आसमान में थी। सी फाइनली हम ईशा पहुंच गए हैं। मुझे मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि बस हटो यार सामने से, मुझे जाना है। ठीक है, तो अब ईशा पहुंच गए हैं हम अंदर। आप व्यूज़ देख सकते हो गाइस। थोड़ा सा जो है कैमरा इधर उधर हिलता रहेगा बिकॉज़ वहाँ का जो ज़मीन है ये स्ट्रेट ज़मीन नहीं है, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर वाला ज़मीन है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन वैसा है। तो ऑटो भी हिल रहा है, तो सब चीज़ हिलने के वजह से मेरा कैमरा भी इधर उधर हिल रहा है। सो प्लीज़ डू बेयर विथ इट। अब मैं चल कर नहीं जा रही एंड आप यहाँ से, मतलब अगर आप बस में आते हो तो आपको डेफिनेटली ये वाला रास्ता तो चल कर ही जाना पड़ेगा। लेकिन हम ऑटो में थे या फिर आप कार में हो तो आपको ये सब चल कर जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये काफ़ी लॉन्ग है अंदर भी। ठीक है, तो ये एंट्रेंस है, आप देख सकते हो बहुत लॉन्ग है। मैंने पूरा वीडियो शूट किया ताकि आपको बता सकूँ कि कितना लॉन्ग है अगर आप चल के जाने की सोच रहे हो तो। और अगर आप ऑटो में कार में हो तो कुछ दूरी तक आप उसको रोक सकते हो पार्किंग लॉट तक, एंड उसके बाद आपको वहाँ से भी कुछ 1 किलोमीटर जितना तो वॉक है ही। ठीक है, तो आप देखिए जर्नी को। एंड काफ़ी हरियाली थी एंड मतलब चारों तरफ पहाड़ एंड बीच में शिव जी की मूर्ति। वॉस सो 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 गुड। मतलब जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो पीस मिला है वहाँ जाकर, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप जहाँ पर भी हो और आप हॉलीडे प्लान कर रहे हो, प्लीज़ डू विज़िट वंस। मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। यह महाशिवरात्रि में काफ़ी बड़ा ओकेशन होता है, काफ़ी बड़ा फंक्शन होता है जहाँ सद्गुरु जी खुद भी आते हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। महाशिवरात्रि में भी आ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, सो हम पार्किंग लॉट पहुँच गए थे, यहीं तक पार्किंग लॉट है। उसके बाद आपको बाई वॉक ही जाना है, कोई भी व्हीकल अंदर नहीं जाती है। ठीक है,
एंड आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि यहाँ शिव जी कितने दूर है अभी भी, ठीक है। बट लेकिन आपको व्हीकल आपकी यहीं पे पार्क करनी है, उसके बाद आपको बाई वॉक ही जाना है। एज यू कैन सी फाइनली, ओके सो या ऑटो पार्क कर दिया हमने, अब हम चलते हैं। ला 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 ला, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ड्रेस कोड की बात करो तो एज इन कोई ड्रेस कोड तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी जब मैंने साइट में देखा था, आप टाइट क्लोथ्स ना पहने, स्लीवलेस ना पहने एंड क्या 3/4 वगैरह ना पहने, अवॉइड ही करें, ऐसा ही था। बट यहाँ पे लोग पहन के तो आ ही रहे थे, बट डिपेंड करता है आपका क्या लक है। अगर मना कर दिए ऑल ऑफ अ सडन, तो इससे अच्छा आप पहले से ये जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं ये ना ही पहने तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने सोचा हम इंडियन ही पहन के जाते हैं, तो हम इंडियन ही पहन के गए थे। एंड या अभी स्लो मोशन में जा रहा होगा वीडियो, धीरे धीरे मैं आपको शिव जी से मिला रही हूँ। एंड मुझे वैलेंटाइन डे पे जाना था शिव जी के दर्शन करने के लिए, एक दो दिन पहले ही गई मैं वैलेंटाइन के, बिकॉज वैलेंटाइन डे तो वीक डेज़ में आ गया भाई, मंडे तो नहीं जा सकते। तो या मैं एक दो दिन पहले गई वैलेंटाइन के, काफ़ी अच्छा लगा। क्लाइमेट अगर वहाँ की बात करूँ, धूप आ रही है, धूप है लेकिन आपको लग नहीं रही है, बिकॉज़ हर जगह सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, काफ़ी ओपन एरिया है, जिसकी वजह से धूप नहीं लग रही है आपको। आपको थोड़ी थोड़ी सी ठंडगी महसूस होगी, इतनी भी नहीं होगी। बट हाँ, जो हम पहुँचे थे 12 बजे, ठीक है, तो 12 बजे वाली जो धूप है वो नहीं लग रही थी हमें, ऐसा कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। अभी यहाँ देखो आप, थोड़ा थोड़ा कैमरा हिल रहा है बिकॉज़ मैं वॉक करके कहीं और जा रही थी। एंड मैंने जो इसकी पिक्चर है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम हैंडल है style_with_पूजा, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा जल्दी से जाके। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए ईशा एंड दर्शन वगैरह हो गया है, अभी जा रहे हैं हम स्टॉल में एंड परिक्रमा करने। आपको 360 डिग्री का व्यू बता देती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाजू में जो छोटी सी घंटी है उसे भी बजाना ना भूले, ताकि आपको मिलते रहे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो गाइस, इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करती हूँ, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। ईशा का चैप्टर तो यहाँ ख़त्म हो गया है, लेकिन ईशा के बाद का जो सीन है, जो हमने किया है कोयम्बतूर में, वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। सो या अगर वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाजू में जो घंटी है उससे भी बजाना ना भूले, ताकि आपको मिलते रहे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। बाय बाय।